हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बहुत सिंपल सा है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। पहला आंसर है नामदफा नेशनल पार्क, दूसरा है आपका मूलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, तो नामदफा नेशनल, देखिए आपको SSC बैंक और रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से यही याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं और अरुणाचल प्रदेश में जो नेशनल पार्क है उनका नाम क्या है। ठीक है, कभी कभार आपसे पूछ सकता है कि उनमें कौन सा हिल्स है और कौन सी रिवर है, बहुत रेयरली पूछता है। ठीक है, तो आपको बस दो बातें याद रखनी है, अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्क दो हैं, नामदफा नेशनल पार्क और मूलिंग नेशनल पार्क। बहुत सारे लोग मुझसे कहते भी हैं कभी कभार कि सर आप इतनी छोटी वीडियो क्यों बनाते हो। देखो यार, मेरा एक सिंपल सा फंडा याद रखो, ज्यादा पढ़ के अगर मान लो तुमने एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ दिया तो वो दिमाग में रहता नहीं है। ठीक है, जो पढ़ रहे हो ढंग से पढ़ो। ठीक है, हो सकता है तुम्हें टाइम ज्यादा लगे, हो सकता है तुम्हें टाइम कम लगे, लेकिन अपने अपने पेस के हिसाब से पढ़ो यार। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन में पूरी नेशनल पार्क की लिस्ट याद कर लिया वो मेरे दिमाग में रहेगी, नहीं आ जाएगी, लिख के रख लो। ठीक है, क्योंकि ब्रेन की कैपेसिटी होती है। तो ब्रेन 5 पढ़ो, 10 पढ़ो, मैं तो ऐसी वीडियो बनाने में 2 बता रहा हूँ आपको, आपकी जितनी कैपेसिटी उस हिसाब से पढ़ना। ठीक है, तो वीडियो में मैंने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क और मूलिंग नेशनल पार्क। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि मूलिंग नेशनल पार्क, सॉरी नामदफा नेशनल पार्क जो है उसमें कौन सी नदी बहती है। ठीक है, और नामदफा नेशनल पार्क में कौन सी रेंजेस हैं ये भी बता सकते हो। ठीक है, अब जब रिसर्च करोगे ना तब मजा आएगा, ऐसे GS पढ़ने का मजा आता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ छोटी छोटी वीडियोज में लाता रहूंगा, चिंता मत करिए। GS सेक्शन के लिए था, अभी GS सेक्शन पे डिटेल स्ट्रेटजी बता दूंगा। थैंक यू।